हेलो फ्रेंड्स, लोग अक्सर पूछते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, जबकि हम हर रोज़ नित नए चैलेंजेस, नई नई प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम टेंशन फ्री रह सकें? सुनने में तो बड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है। जी हाँ, टेंशन फ्री रहना बिल्कुल पॉसिबल है और ये बहुत आसान भी है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस हों, हम कितनी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ लीड कर रहे हों, लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपको टेंशन होगी या नहीं होगी, ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स जो आपको टेंशन फ्री बनाते हैं। एंड क्योंकि टेंशन फ्री रहना आप पे खुद पर डिपेंड करता है, तो इसके लिए थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज टेंशन को ओवरकम करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप टेंस होते हैं तो आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, आप खुश नहीं रह पाते और आपकी प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। यानी कि जो भी आप काम करते हैं, टेंशन की वजह से आप अपने 100% नहीं दे पाते, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो होती है। उस वजह से, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सक्सेस के चांसेस भी रिड्यूस जाते हैं। और जब आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप हैप्पी भी नहीं होते हैं। इसीलिए टेंशन फ्री होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 5 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको टेंशन फ्री रखने में हेल्पफुल हैं। सो नंबर 1 इज़ इग्नोरेंस। फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि जब भी लोग टेंशन करते हैं ना, वो बहुत सारी टेंशन फिजूल की होती है। अगर हम गौर करें तो 80% जो हमारे थॉट्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं और बेकार के होते हैं। यानी कि पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है जिससे वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं। सो फोकस करिए कि आप किन चीज़ों के बारे में टेंशन करते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में टेंशन करते हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है या उतनी ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बेकार है, फिजूल हैं, फालतू हैं, तो उन्हें इग्नोर करिए। ऐसे कोई लोग जिनकी बातें आपको पसंद नहीं आती हैं, आप उन्हें भी इग्नोर करिए। क्योंकि जब आप इग्नोर करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो टेंशन होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्चेस में प्रूव हुआ है कि पर्सन की जो थॉट्स होते हैं, दिन भर की जो उसकी टेंशन या वरी वाले जो थॉट्स हैं, उसमें से 80% थॉट्स रिपीटेड होते हैं और उन चीज़ों के बारे में होते हैं जो उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। यानी कि ये हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, चाहे वो हमसे रिलेटेड है या नहीं है। और अक्सर यही होता है, लोग छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने लग जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो बहुत ज़्यादा उनसे रिलेटेड ही नहीं है, जिनको वो इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोरेंस एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल है, एक सीक्रेट रूल है। अगर आप अपनी लाइफ में टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो इसे सीखिए कि आपको किन चीज़ों के बारे में सोचना है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है। एंड सेकेंड रूल इज़ एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स, हमारी जो टेंशन होती है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते हैं। हमको लगता है कि लोग हमारे हिसाब से काम करें, हमको लगता है हर चीज़ हमारे हिसाब से होनी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि ये दुनिया है और इतने सारे लोग हैं और इतनी अलग तरह की सिचुएशंस हैं जिसमें हर कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो सकता। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते, उन्हें आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करना सीखिए उन चीज़ों को जिन्हें आप बदल नहीं सकते, ऐसी सर्कमस्टांसेस जो फिक्स हैं, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपके हिसाब से नहीं है। फ्रेंड्स, हम सबको ये समझना चाहिए कि इतनी पूरी दुनिया में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता, हर कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, क्योंकि इतने अलग अलग लोग हैं, इतनी अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं, सब कुछ अलग अलग तरीके से होता है, कोई एक पर्सन डिसाइड नहीं करता है कि उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। एंड इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि अगर हम एक्सेप्टिंग माइंडसेट से काम करते हैं, हमारा माइंडसेट फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते जो हमारे हिसाब से नहीं हुई। कई बार हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं एंड रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारे फेवर में नहीं होते और हम परेशान हो जाते हैं। कभी हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से काम करें, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करते हैं और वो हमें पसंद नहीं आता।
या कभी हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लाइफ में ऐसा होना चाहिए लेकिन वैसा नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम एक्सेप्टिंग एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, एक्सेप्टिंग माइंडसेट से, आप अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे कि आपको बहुत सारी जो टेंशन होती है सिर्फ इस वजह से कि लोग आपके हिसाब से काम नहीं करते या सिचुएशंस आपके हिसाब से टर्न नहीं होती हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी। आप उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे एज इट इज़। एंड नेक्स्ट रूल इज़ एक्शन। यस फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ से टेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से, मेंटल वर्क करने से टेंशन कम नहीं होगी, टेंशन बढ़ती है। और अक्सर यही होता है, लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी लाइफ के जो प्लान्स होते हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो और इसीलिए अगर आप अपनी टेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो आपको उसको कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब है कि प्रॉब्लम को फेस करना है और उसके वर्केबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना है। तो नोटिस करिए कि आप किन चीज़ों के बारे में टेंशन करते हैं, आपके जो टेंशन का पॉइंट है वो क्या है। पहली बात, उसे लिखिए। अगर हम लिखते नहीं है ना, तो हम घंटों बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और लास्ट तक हमें ये समझ में नहीं आता कि हम सोच क्यों रहे हैं या सोचने से होगा क्या, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सोचने से या हमारी टेंशन बढ़ जाएगी। और इसीलिए क्योंकि लोग लगातार सिर्फ मेंटल वर्क करते हैं उस पॉइंट के बारे में, उस टेंशन के इशू के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो इतना हॉरिफाइंग हो जाता है कि उनकी टेंशन एंग्जाइटी में डेवलप हो जाती है और उनको पैनिक अटैक भी आ जाते हैं। और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में जो भी आपके पॉइंट्स ऑफ कंसर्न्स हैं, जिन चीज़ों के बारे में भी आपको टेंशन है, वरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको लिख लीजिए और फिर वन बाय वन उनके वर्केबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करिए, किस तरह से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। उस रियल प्रॉब्लम, उस रियल इशू के बारे में काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको पढ़ाई की टेंशन है, तो वो पढ़ते नहीं हैं लेकिन पढ़ाई की टेंशन करते हैं, उनको लगता है एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हुई है, क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। या फिर बहुत सारे लोग पैसों के बारे में सोच रहते हैं कि पैसे नहीं हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। या फिर लोग जॉब के बारे में सोचते रहते हैं कि उनकी जॉब ठीक नहीं है या उनके पास में प्रॉपर जॉब ही नहीं है। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तो टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए, आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उनके ऊपर एक्ट आउट करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचते रहने से टेंशन और एंग्जाइटी इंक्रीज़ होगी, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी और फिर आपको और ज़्यादा टेंशन होगी। और इसीलिए अगर टेंशन को रिड्यूस करना है, टेंशन फ्री लाइफ जीनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। जितना आप एक्ट आउट करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सिर्फ सोचने से प्रॉब्लम बढ़ती है और टेंशन भी। एंड नेक्स्ट रूल इज़, टेंशन फ्री रहना है तो आपको अपने आज, अपने वर्तमान में जीना होगा, बी इन प्रेजेंट। बिकॉज मैक्सिमम टाइम टेंशन का सबसे बड़ा कारण होता है पास्ट एंड फ्यूचर। लोग या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, फेल्योर्स हुए या कुछ भी ऐसा जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक था, और उसको याद कर करके उसको टेंशन इंक्रीज करते रहते हैं। या फिर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर वरीज की, आगे पता नहीं क्या होगा। और इस तरह से पास्ट और फ्यूचर पे जब आप फोकस करते हैं तो आपकी टेंशन बढ़ती है, क्योंकि ये आपकी ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है और ओवरथिंकिंग की वजह से आपकी जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि आप टेंस हो जाते हैं, आप वरी करने लगते हैं उन चीज़ों के बारे में जो शायद कभी हुई नहीं है या कभी होंगी भी नहीं। और सबसे खतरनाक, जब आप पास्ट और फ्यूचर पे फोकस्ड होते हैं तो आप आज अपने वर्तमान, अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि अभी का जो आपका काम है आप उसको टाल देते हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आपको काम करने का मन नहीं करता और अल्टीमेटली जो आपकी अभी प्रेजेंट ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अभी आपको काम निपटाने हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। और जब आप प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हैं, आपके काम अधूरे रहते हैं, आप चीज़ों को समय पे नहीं कर पाते, तो फिर से आप टेंस हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स,
अगर आप अपनी लाइफ में टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो आपको ये टेंशन का साइकिल तोड़ना पड़ेगा। आपको अपने पास्ट और फ्यूचर से निकल के अपने प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ेगा। एंड नाउ फिफ्थ गोल्डन रूल, जो आपकी टेंशन को ओवरकम करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है बी ऑर्गेनाइज्ड। यस, ऑर्गेनाइज्ड होना आपको टेंशन फ्री बनाता है, बिकॉज बिखरे हुए काम और बिखरा हुआ सामान दोनों हमें परेशान करते हैं। बिकॉज मैक्सिमम जो टेंशन होती है वर्क ओवरलोड की वजह से होती है, और वर्क ओवरलोड तभी लोग फील करते हैं जबकि वो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते। अगर आप सुबह से शाम तक के जो भी आपके काम हैं उनकी एक टास्क टू डू लिस्ट बनाते हैं और किस समय में किस काम को निपटाना है और हर काम को कितनी देर में निपटाना है ये आप पहले से तय कर लेते हैं, तो आपका जो काम होगा वो आपको टेंशन नहीं देगा। और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप वर्क ओवरलोड की वजह से टेंशन फील करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है टास्क मैनेजमेंट। अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए और हर किसी काम को आपको कितनी देर में करना है उसकी एक टाइम लिमिट सेट करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो भी आपका वर्क प्लेस है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बिकॉज आप नोटिस करेंगे कि जिस जगह आप बैठकर काम करते हैं अगर वो सब व्यवस्थित है तो उस जगह काम करने में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इसीलिए अपने वर्क प्लेस को भी ऑर्गेनाइज करिए और अपनी खुद की लाइफस्टाइल को भी ऑर्गेनाइज करिए, अपना डेली शेड्यूल ऑर्गेनाइज करिए। तो जैसे ही आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं और अपने वर्क प्लेस को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना, आप नोटिस करेंगे कि आपकी बहुत सारी टेंशन रिड्यूस हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 गोल्डन रूल्स जो आपकी लाइफ की टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी। आप इसे औरों के साथ भी शेयर करिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।